देखो भैया सच बताओ, मैंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि भैया मेरे को ऐसे कंटेंट पे वीडियो बनानी पड़ेगी। जाने या अनजाने या पता नहीं कैसी इंटरनेट दुनिया है कि ये लोग आखिर इतना फेमस क्यों हो रहे हैं और कैसे हो रहे हैं, और अगर हो भी रहे हैं तो किस चीज को लेके, इनकी प्रेगनेंसी को। मतलब भैया अरमान मलिक को आप लोग जानते होंगे या फिर नहीं जानते तो भैया बेस्ट ऑफ लक, और मैं अब आपको बताने वाला हूँ कौन है तो भैया उसके लिए बैड ऑफ लक। ये अरमान मलिक एक आदमी है जो कि भैया दो बीवियों के साथ घूमता है, मतलब एक ही घर में दोनों से शादी कर चुका। एक के साथ शादी करी थी 2011 में और फिर शादी करी थी उसी की बेस्ट फ्रेंड से 2018 में। एक का नाम है पायल मलिक, एक का नाम है कृतिका मलिक। बात ये पड़ती है कि जो तीनों के तीनों हैं वो एक इन्फ्लुएंसर हैं। तीनों के तीनों रीलर हैं और मीठे वाले गाने पे नाचते हैं। खैर मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं, चाहे जो करे। तो मेरी दिक्कत ये फंसी कि ये लोग ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब से इन्होंने यहाँ पोस्ट डाली है। अब देखो पहली बार देखोगे तो तुमको भी वही लगेगा जो ऐसे कमेंट आ रहा है कि भैया दोनों एक साथ कैसे प्रेग्नेंट हो गई। अरे भैया कोई मजाक चल रहा है कि आपने फुटबॉल टीम क्रिएट करोगे? तो देखो भैया अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मैं क्या अपील करता हूँ तो भैया मेरे को ये ठीक लगता है। भैया जब मियाँ खुश बीवी खुश तो तुम कौन होते हो भैया टांग अड़ाने वाले? मेरी तरफ से भाई जैसा चल रहा है ठीक चल रहा है। लेकिन जब मैंने इनकी इंस्टाग्राम की पोस्ट के नीचे इनके कमेंट्स पढ़े, बाप रे बाप। सबसे पहले तो भैया सबके यही डाउट है, भैया कैसे प्रेग्नेंट कर दिया भैया दोनों को एक ही बार में? दूसरे लोगों का तो अलग ही कहना है कि भैया पहली पत्नी को कम प्यार करते हो, दूसरी को ज्यादा करते हो। अरे भैया तेरे को क्या करना है उससे? और भैया कुछ लोग इसको यह बना रहे हैं कि भैया ये सनातन धर्म के बिल्कुल अपोज है। देखो सच बताओ, लव जिहाद का केस तब होता है जब उसमें से किसी की मंजूरी ना हो दोनों के बीच में से, या घर वाले ना मान रहे हो तो उसके अपोज में केस हो सकता है। लेकिन जब इसमें वाइफ भी राजी है, मियां भी राजी है, तो भैया कोई कुछ नहीं कर सकता। कोर्ट ने भी अपील दिया, अगर दोनों साथ में प्यार करते हैं, माँ बाप के अगेंस्ट भी नहीं है, माँ बाप भी यहाँ चाह रहे हैं कि भैया खुश रहो, घर भी अच्छा खासा चल रहा है, तो भैया तुम घुसन आना बीच में बस। देखो और कुछ नहीं कर सकते तुम भैया, और कुछ करो भी ना। देखो भैया इस कंटेंट में मैंने तुम लोग का कुछ ज्यादा ही समय बर्बाद कर दिया है, और अभी अभी पक्की खबर ये आ रही है कि भैया इंडिया चाइना में अभी कुछ हो गया है, तो मेरे को उस पर भी वीडियो बनानी है। धन्यवाद, जय हिंद, बाय।